हेलो दोस्तों, तो आज देखोगे आप संदीप की बारात और मेरा पूरा मेकओवर और मेरा ब्राइडल लुक। तो आज फाइनली आप मेरी शादी का व्लॉग देख ही लोगे। ये देखो मेरी सासू माँ डांस करते हुए और पूरी बारात लेते हुए आ रहे हैं संदीप जी। काफी सारे फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स हैं संदीप के, तो सारे लोग आए हुए थे। काफी अच्छी बारात थी, तो ये लोग हमारे पहाड़ों में इनको बोलते हैं छलिया डांस। तो ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। इनमें एक लड़का होता है जो लड़की के गेटअप में आए रहते हैं, उनको देख के सारे लड़के लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं। आज के दिन ही मेरी शादी है और हाँ, आज मेरी शादी हो जाएगी और मैं संदीप जी की हमेशा के लिए हो जाऊंगी। तो मैं अब आज से मेघा भट्ट हो जाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है यार। ये देखो संदीप भी वहाँ पे खड़े होकर व्लॉगिंग कर रहे हैं अपने सनरूफ में, और काफ़ी इनके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं आसपास। मेरी सारी बहनें, दीदी, सब लोग यहाँ पे रिबन काटने के लिए खड़े हैं और बारात का वेट कर रहे हैं। आ गए हैं संदीप जी मेरे पापा और चाचा के साथ। अभी पूजा पाठ होगा, इनका वेलकम होगा। इनका वेलकम करेंगे मेरे पापा और चाचा, साथ में मेरे घर के पंडित जी हैं। तो जब तक इनका वेलकम होता है तब तक मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है गाइस। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं एक पावर नैप ले लूँ, बट ना वो पावर नैप हो ही नहीं पा रही है। पता नहीं क्यों वो पावर नैप इसलिए नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरे माइंड में टेंशन है कि अभी थोड़ी देर में शादी है, ठीक है। उस वजह से मैं नहीं सो पा रही हूँ। और अभी अब रात भर की शादी है, उसके बाद कल दिन भर जगना है। और मैं मेकअप करवाने आ गई हूँ, मेकओवर ब्यूटी लॉन्च में हल्द्वानी में है। इसका इंटीरियर देखो गाइस, ये कितना सुंदर है, ये देखो। और मैंने सुना है ये लोग बहुत अच्छा मेकअप करते हैं यार। तो अभी बस अभी स्टार्ट होने वाला है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ ये चीज़ होगी और मैं दुल्हन बनूंगी। ओ गॉड, मैं हंसूँ या रोऊँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो अभी अभी आने वाली हैं मेकअप आर्टिस्ट जो हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा स्टाफ है गाइस, बहुत अच्छा बिहेवियर है। मैं सीरियसली, मैं दिल से कह रही हूँ, ये चीज़ मैं दिल से बता रही हूँ, ऐसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने बहुत अच्छा स्टाफ देखा यहाँ पे हल्द्वानी में। मेरा ब्राइडल मेकअप देखना और बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे ये ओनर है, आई गेस आप ओनर हो ना? हेलो, तो आप मेरा मेकअप करने वाले हो? मेरी वाइफ। ओके, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट। ओके, सो एक्साइटेड। अब तो मेरी नींद भी धीरे धीरे भागने लगी। सबसे पहले हेयर वॉश होता है, क्योंकि हेयर स्टाइल बनाने के लिए पहले हेयर वॉश करना पड़ता है। उसके बाद मैंने लेंस लगाया, बहुत प्यार से लेंस लगाया यार, बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ इसमें मेरी। लेंस लगाने के बाद जो प्रिया जी हैं वो मेरा मेकअप कर रही हैं, यही इस सलून के मेकअप आर्टिस्ट हैं। देखो कितनी प्यारी आइज लग रही हैं, ग्लिटरी एकदम, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी हैं। वैसे मैं पहले ही बहुत ज़्यादा नींद में थी, तो मेरी आँखें पक्का स्वेलिंग कर रही होंगी। ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं, कैसी लग रही हैं देखो। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। तो अभी हो रहा है मेरा हेयर स्टाइल, इतना सुंदर और इतना प्रिटी लग रहा है, बट इसमें इतनी सारी पिंस है ना, ये निकालूंगी कैसे यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कल यहीं आना है वैसे भी संगीत के वक्त। तो मेरा मेकअप हो गया है और अभी मेरी हेयर स्टाइलिंग हो रही है। कैसा लग रहा है मेकअप, सच्ची बताना? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी हेयर स्टाइलिंग हो रही है, उसके बाद मैं फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊँगी। जैसा मैंने बोला था कि मुझे ग्लॉसी और ऐसे ग्लिटर वाला, मुझे जैसा लुक चाहिए था ये वैसा ही है। तो यू कैन सी, आज तो संदीप की बारात आ जाएगी गाइस। आप लोगों में से कई लोगों ने पहले भी मेरे व्लॉग्स देखे थे, तो आप लोग कहते थे कि आप और संदीप भैया शादी कर लो, शादी कर लो। अब देखो आज सच में शादी कर रहे हैं हम दोनों। ये मेरी बहन शादी कर रही है, ये भी बहुत क्यूट लग रही है। क्या हुआ, मैंने अपने दादा से हेयर्स में ये जो ये फ्लावर्स हैं ये लगाने के लिए भेजा, और उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने डेकोरेट करके बोल दिया उसको कि दे दे। और ये देखो ऐसे आए हैं और ये बालों में लगने, मैंने कहा आपने इतनी मेहनत क्यों करी, और ये देखो पीछे इतना ज़्यादा डेकोरेट हो गए। अब इसका क्या फ़ायदा है, मैं इसको संदीप को दे दूँगी और हमारा फ़ोटोशूट हो जाएगा, वो भी खुश, मैं भी खुश, मेरे भी बालों में हो जाएगा। माँ ही रेडी हो गई? अच्छा, वो पीछे मेरी मम्मी देख रही है। मम्मी क्या देख रही हो, कैसा किया है आपका मेकअप, सुंदर? मेरा भी बहुत सुंदर किया है, फिलहाल ही आपके लिए।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि संदीप जी कैसे रेडी हुए। उन्होंने सहरा बांधा और उसके बाद जो वहाँ के पंडित जी हैं उन्होंने उनको सजाया है। हमारे यहाँ पे दूल्हे को पंडित जी ही सजाते हैं। बनाया तो पंडित जी ने बहुत सुंदर डिजाइन है, बट ना ये गर्मी की वजह से पूरा बह गया था। जब मैंने संदीप जी को सामने से देखा तो तब तक ये पूरा का पूरा बह चुका था, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था फोरहेड में उनको। या नवंबर में भी हल्द्वानी में इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी 21 नवंबर को वो भी। अभी सोचो जब यहाँ पे गर्मी आएगी तब क्या हालत होगी। यही रीज़न है मेरे पहाड़ी दोस्तों मेरा सर्दियों में शादी करने का, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में ही शादी हो सकती है, हल्द्वानी में गर्मियों में नहीं हो सकती। गर्मियों में तो लोहाघाट में हो सकती है जहाँ मेरा मायका है। अभी देखो दूल्हे राजा बैठने वाले हैं गाड़ी में। वैसे एक अलग ही खुशी होती है ना फैमिली वालों के चेहरे में कि यार दूल्हा बन गया है, बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया है। सबके मन में लड्डू फूटते हैं यहाँ पे तो। बट यार हमारे लड़की वालों के साइड तो सब लोग इमोशनल रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होती हैं। भगवान जी हमारी खुशियाँ ऐसे ही रहें, पूरे परिवार खुश रहे, बस किसी की नज़र न लगे। मैंने और संदीप ने शायद रेडबुल ही पी रखी है पूरी शादी में। मैंने तो मॉन्स्टर और रेडबुल दोनों पी रखी थी, इतना ज़्यादा पी ली थी ना कि वो मेरी बॉडी भी प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। अब वर्क कैसे करें, और ऊपर से भूख भी इतनी लग रही थी। शादी के टाइम यार खाना पीना नींद सब उड़ जाती है, हम कितनी कोशिश कर ले। मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट कर रखा था कि प्लीज़ यार टाइम पर सो जाना, तो सो जाना, रात भर नींद ही नहीं आती है। एक तरफ एक्साइटमेंट रहती है, फिर टेंशन भी रहती है, सब कुछ रहता है यार माइंड में कि हम शादी कैसे करेंगे। बट सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लाइफ में एक ही बार मिलता है। बट यार ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है, मैं बता नहीं सकती। अब जब आपकी शादी होगी आपको खुद पता चलेगा। कोई कहीं है कोई कहीं है। अब संदीप सोच रहे हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास मेरे भाई लोग हैं भी या नहीं है, तो मैं ही डांस कर लेता हूँ। सो ही इज़ इन्जॉइंग, एंड मुझे ही बहुत पसंद है उनकी ये आदत कि वो हर एक मोमेंट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो उनसे ही मैंने सीख रखा है कि हर एक मोमेंट को इन्जॉय करना चाहिए। गाइस आप भी हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो, इन्जॉय करो, और बस किसी की नज़र न लगे हमारी जोड़ी को। अभी तो आपने मेरा लुक भी देखना है इसी वीडियो में थोड़ी सी देर में। गाइस स्किप मत करना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। हम लोग शादी के बाद Q&A वीडियो निकालेंगे, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले व्लॉग में लिखना। तो इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग वैसे मेरा संगीत का होगा, उसके बाद मैं अपने डेली व्लॉग्स बनाऊंगी अपने घर में, अपने सारी फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अभी मेरी बहन खड़ी है रिबन काटने के लिए, शायद इन लोगों का डिस्कशन हो भी रहा है या नहीं। मैंने तो उसको बोल रखा था यार तो बोल लेना, जितना भी देंगे वो लोग ले लेना, क्योंकि शगुन होता है। और देखो दूल्हे जी की एंट्री हो गई है, और साथ में भी मेरे पापा और चाचा आए हैं इनको लेने के लिए, तो बहुत प्यारा लग रहा है यार। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना हेयर स्टाइल। देखो मेरा हेयर स्टाइल भी बन गया है, कितने प्यारे लग रहे हैं व्हाइट रोजेस। कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल? मेरा हेयर स्टाइल इन्होंने किया है। कैसा किया है? रेट आउट ऑफ 10। हल्द्वानी के फैमिली टेलर्स वाले ने मेरा ब्लाउज पूरा खराब कर दिया यार। देखो मेरा ब्लाउज फिट कर दिया यार, मैं जो ब्लाउज दिखा रही थी अभी आपको, ये देखो फिटिंग, ये देखो इतना अच्छा सलून है यहाँ पे, एक से एक एक्सपर्ट्स है ना। वो तो अच्छा हुआ इन्होंने उसी टाइम सुई धागे से मेरा ब्लाउज फिट कर दिया। मैंने फैमिली टेलर वाले को बोला था यार एक ही बार शादी होती है सही से कर देना, उसके बाद भी उसने ये इन्होंने काला टीका लगाया है ना। यस कि आपको नजर ना लगे किसी के, बहुत प्यारे लग रहे हो, प्रिटी प्रिटी। थैंक यू सो मच। मेरी फ्रेंड अंकू, मेरी बहन, मेरी मम्मी, सब के सब इतने प्रिटी लग रहे हैं, और मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पे मेरी बहन भी मेरी नज़र उतारते हुए मेरे साथ वीडियोस बना रही है। यहाँ का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पे बस मुझे अफसोस है कि एक मैंने सिंगल फोटो नहीं ली, अपनी बहन के साथ ले रखी है। मैं अपलोड करूँगी वेरी सून, पहले आप देख। ये है चुनरी लगाते हुए मेरा फाइनल टचअप। कल मैं आपको दिखाऊंगी अपनी संगीत का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज, लव यू ऑल सो मच, लव टू यू।